वेलकम टू पेबल्स, हमारी सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार। आप चार पांच लोगों के फ्रेंड्स के साथ ग्रुप में खड़े हैं, सैटरडे नाइट पार्टी का प्लान बन रहा है, लेकिन आपसे कोई भी नहीं पूछ रहा कि पार्टी कहाँ की जाए, आपकी कोई सलाह ही नहीं ले रहा है। आप कंपनी में एम्प्लॉय हैं, 9 to 5 क्या, आप 9 to 11 काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, बहुत ही मेहनत से अपने सारे टारगेट्स को अचीव भी करते हैं, लेकिन आपके जो बॉसेस हैं वो आपके साथ वाले एम्प्लॉय को ज़्यादा फेवर करते हैं, आपकी मेहनत उन्हें नज़र ही नहीं आती है। आप अपने घर की एक बहू हैं जो पूरा मन लगा के बहुत ही प्यार से अपने ससुराल वालों की सारी नखरे उठाती हैं, घर का पूरा काम करती हैं, लेकिन आपको जो मान प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। एक मिठाई की दुकान है, बहुत ही पुरानी सी दुकान है, 15-20 सालों से चलती आ रही है, बहुत ही छोटी सी दुकान है, उसमें ना तो कोई लाइट्स लगी हुई है, ना तो उसका रिनोवेशन हुआ है बहुत सालों से, लेकिन फिर भी वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। वो दुकान अपने आप में एक ब्रांड बन चुकी है। उसी के सामने एक ऐसी दुकान है जो बहुत बड़ी है, बहुत लाइट्स लगी हुई हैं उसमें, बहुत सारे फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं, उसको बहुत शानदार तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ दिन में कोई 3-4 कस्टमर आ जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर इन सारे के सारे सिचुएशंस में से आप किसी सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो कि इन सिचुएशंस में से किसी सिचुएशन में हो, तो इसका मतलब ये है कि उस पर्सन या आपका सन प्लैनेट सन वीक है, क्योंकि जो ये प्लैनेट है सन, ये हमें देता है एक ब्रांडेड इमेज सोसाइटी में। ब्रांडेड इमेज का मतलब है जिसको हम बोलते हैं ना, मान प्रतिष्ठा सम्मान, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो अपने देश में हो, जिस भी लेवल का आप काम करते हैं, जिस भी लेवल की आपकी इंडिविजुअलिटी है, उस इंडिविजुअल या उस बिजनेस को जब ब्रांड मिल जाता है तो यानी कि सूर्य सन आपकी हॉरोस्कोप में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। ये सूर्य वही है जिसमें आपको आपके भविष्य को स्ट्रॉन्ग करने की ताकत है। सूर्य हमें सिर्फ फ्यूचर ही अच्छा नहीं देता बल्कि हेल्थ भी अच्छी देता है, और वो भी फ्री की हेल्थ। आपको सिर्फ सूर्य के नज़दीक रहना है और आप सारे विटामिन डी उससे ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सन से हमें मिलते हैं, जिनसे हम अपनी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये जो सन प्लैनेट है जो बाकी सारे ग्रहों को रोशनी देता है, ये एक्चुअली में आपकी लाइफ को रोशनी दे सकता है। अगर आपका सन स्ट्रॉन्ग है तो आपको मान प्रतिष्ठा की कभी कमी नहीं होती, आपकी लाइफ यानी कि आपकी आयु भी बढ़ सकती है सूर्य से। अगर आपको कभी किसी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी बहुत सिद्ध व्यक्ति ने आपको बताया हो कि आपकी लाइफ कम है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सूर्य के उपाय करने हैं, आपकी लाइफ बढ़ेगी। इसमें कोई 99.9% वाला डाउट नहीं है, 0.1% का कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कभी किसी ने बताया है कि आपकी लाइफ कम है, तो आप सिर्फ सूर्य स्ट्रॉन्ग करिए, अपना अपने अंदर एनर्जी बढ़ाइए, विटामिन डी लीजिए, आपकी लाइफ बढ़ेगी। सूर्य में हमें हमारे स्वास्थ्य को अच्छे रखने की ताकत है, मान प्रतिष्ठा देने की ताकत है, लाइफ को बढ़ाने की ताकत है। लेकिन आखिर ये ग्रह हमें इतनी सारी चीज़ें देता कैसे है? स्ट्रॉन्ग प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना एक बात हुई, लेकिन प्लैनेट के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। आखिर पता तो चले कि ये हजारों किलोमीटर दूर जो प्लैनेट है, जो ये सूर्य है, वो हमें इतनी सारी अच्छी चीज़ें देता कैसे है? तो सन हम सब जानते हैं केमिकल एलिमेंट्स से बना हुआ है। जब सनराइज होता है तो जो सन का राइज होना और सन का सेट होना, वो प्योरेस्ट स्टेट मानी जाती है सन की। इस स्टेट में स्पेशली सनराइज के वक्त, सूर्यास्त के वक्त सन अपनी प्योरेस्ट स्टेट में होता है। उस वक्त जो भी रेज आ रही होती है सन की, उनको लेना अपने बॉडी पर बहुत ज़रूरी होता है। उससे आपको विटामिन डी मिलता है, उसको आपको एनर्जी मिलती है, उससे आपका मनोबल बढ़ता है,
आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बनता है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपको लोगों से बात करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपको लोगों को इम्प्रेस करने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कंसल्टिंग हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टीचिंग हो, ऐसी तमाम फील्ड्स जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जहाँ पे आपकी जो पर्सनालिटी है वो लोगों से अलग स्टैंड आउट होनी चाहिए, कंपेटिटिव एग्जाम्स में अगर आप अपीयर हो रहे हैं और आपका सूर्य वीक है, आपका सन हॉरोस्कोप में वीक है, तो इट इज़ वेरी द चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग द एग्जाम्स आर वेरी लो। किसी भी अच्छी पोजिशन पे पहुंचना, चाहे वो कंपेटिटिव एग्जाम्स के थ्रू किसी पॉलिटिकल पोजिशन पे हो, चाहे वो कंपनी की एग्जाम के थ्रू किसी कॉरपोरेट पोजिशन में हो, इन सभी अच्छी पोजिशंस पे पहुंचने के लिए सूर्य का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेनिफिट्स तो बहुत हैं इस चमत्कारी ग्रह के, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सूर्य वीक होता कैसे है और सूर्य स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, डिफरेंस कैसे पता चलता है। तो हमने आपको बताया कि केमिकल एलिमेंट्स जो सूर्य से आते हैं उसी से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। अब ये जब केमिकल एलिमेंट्स आते हैं, हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग कलर्स के होते हैं। जिस भी कलर का बॉडी पार्ट होगा उसी कलर का बॉडी हो जाएगा, जैसे कि स्किन का अलग कलर है, बालों का अलग कलर है, वैसे ही जब किसी बॉडी पार्ट का कलर कम या ज़्यादा हो रहा हो तब हमें देखने से समझ में आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है शरीर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके शरीर में खून की कमी होती है तो जो बॉडी से लाल रंग होता है वो कम हो जाता है, वो देख के ही पता चल जाता है कि शरीर में खून की कमी है, यानी कि हीमोग्लोबिन कम है। वैसे ही बहुत सारे कलर्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन से हेल्थ डिसऑर्डर आपको होने वाला है। तो ये सारी जो हेल्थ डिसऑर्डर्स है इन सबको सूर्य ही ख़त्म करता है। सूर्य के जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो सुबह सनराइज के टाइम पे आते हैं, सनबाथ लेने के टाइम पे जो आपको मिलते हैं या सूर्य की आराधना साधना करने से मिलते हैं, वो सब लेते समय ये अगर आप इसको नियमित रूप से लेते हैं तब ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपके शरीर से जाते हैं, आपका शरीर मजबूत बनता है और आप काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो रेमेडीज जानेंगे सूर्य के वीक होने पर जो रेमेडीज आपको करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि सूर्य वीक है या स्ट्रांग है। आखिर पता कैसे चले? घर पे बैठ के भी पता चल सकता है, इसके लिए आपको किसी को अपने कुंडली दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ पे जानेंगे कि सूर्य के क्या लक्षण हैं वीक होने के। तो ये है राइट हैंड, हमने आपको पहले अपनी वीडियोस में बताया है, ये क्लियर किया है कि आपको हमेशा अपना राइट हैंड ही देखना है। तो चलिए हाथ पे देखते हैं कि कैसे पता चले सूर्य वीक है या स्ट्रांग है। सूर्य की जो फिंगर है वो है रिंग फिंगर, ये वाली जो फिंगर है कनिष्ठा के बाजू में, इसे हम सूर्य की उंगली बोलते हैं, और इसके नीचे का पर्वत है सूर्य का पर्वत। ये फिंगर जितनी स्ट्रेट होगी, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसका मतलब होगा कि आपका सूर्य उतना ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके नीचे का जो पर्वत है ये पर्वत एकदम साफ होना चाहिए, इस पर बहुत सारी कटी फटी रेखाएँ नहीं होनी चाहिए। अगर एक लाइन है, चाहे वो इतनी छोटी हो या इतनी बड़ी हो, जितनी बड़ी हो उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो लाइन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक लाइन है तो इसका मतलब ये है कि सूर्य बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये आपको हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें आपको सक्सेस देगा ही देगा, आपको सक्सेस सूर्य से ही मिलेगी, सन प्लैनेट से ही मिलेगी। लेकिन ये लाइन तो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ये हाथ में लाइन है, लेकिन ये बहुत सारी छोटी छोटी लाइन्स आप ऐसे ऐसे काट रही हैं आपकी पर्वत पे उस बड़ी लाइन को, तो इसका मतलब ये है कि आपको सूर्य से राजयोग मिला है, लेकिन वो राजयोग राजभंग में कन्वर्ट हो गया है। जो लाइन आपको सक्सेस दे रही है
उसमें ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, वो ऑब्स्टिकल्स किसी भी तरीके की हो सकते हैं, वो फिनेंशियल ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, वो आपकी खुद की पुअर मेंटल हेल्थ हो सकती है, पुअर फिजिकल हेल्थ हो सकती है, पुअर फैमिली सपोर्ट हो सकता है, वो ऑब्स्टिकल किसी भी रूप में आपके साथ आपके सामने आपके लाइफ में आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, पर ये होंगे ज़रूर अगर आपकी स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारी कटी फटी रेखाएं हैं। तो एक बार वापस बता देती हूँ, लाइन, एक लाइन होना उसको बोलते हैं सन की लाइन, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लाइन अगर नहीं भी है तो भी बहुत बुरा नहीं है, आपका सन न्यूट्रल स्टेट में है, आपको उपाय फिर भी करने चाहिए ताकि लाइन आए। लेकिन लाइन होना और उस पर कटी फटी रेखाएं होना ये बहुत ज़्यादा बुरा है। इसका अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि आपका सूर्य बहुत वीक है और आपको सन के उपाय करने ही करने चाहिए। उसी के साथ साथ ये जो उंगली है आपकी, सूर्य की उंगली स्ट्रेट होनी चाहिए, इधर या उधर बेंड नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जानी चाहिए और बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं आनी चाहिए। इट शुड बी स्ट्रेट, अ स्ट्रेट फिंगर एंड अ गुड माउंट ऑफ सन। पर्वत भी आपका उठा हुआ होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा अंदर दबा हुआ नहीं होना चाहिए। ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, वो स्ट्रॉन्ग सन और वीक सन को डिस्टिंग्विश करती हैं। आई होप आपको हाथ में अब समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग और वीक सन को कैसे डिस्टिंग्विश करना है। तो ये हमने देखा कि हाथ को देखकर कैसे पता चले सूर्य यानी कि सन प्लैनेट आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। लेकिन किसी प्लैनेट को पहचानने के लिए सिर्फ हाथ ही काफ़ी नहीं है, ऐसी और बहुत सारी लाइफ में चीज़ें हैं जिससे पता चलता है कि प्लैनेट हॉरोस्कोप में कैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल सूर्य की बात कर रहे हैं तो आप अपने पापा के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑब्ज़र्व करिए। अगर आपके पापा के साथ रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपका सूर्य वीक है, या आपके पापा बहुत अच्छी फाइनेंशियल पोजिशन में नहीं है, वो आपको हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, वो इमोशनली आपको सपोर्ट फिर भी कर रहे होंगे लेकिन चाहकर भी फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका और आपके पिताजी का दोनों का सूर्य अच्छा नहीं है और आप दोनों को साथ में सूर्य के उपाय करने चाहिए, आपको दोनों को साथ में सूर्य को प्रसन्न करना होगा। इसी के साथ साथ आपका लिवर वीक है, लिवर की आपको समस्याएँ हो रही हैं, आप हाथ में अपना सूर्य चेक करिए। आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप हाथ में अपना सूर्य चेक करिए। आपको मुंह में छाले बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो जाते हैं, हाथ में सूर्य चेक करिए, आप देखेंगे कि आपका सन प्लैनेट वीक है। तो ये प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें देता है, लेकिन अगर ये अच्छा नहीं हो तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी क्रिएट कर देता है। आप अपने आसपास के लोगों में देखिए, किसी का सन जब वीक होता है तो ऐसे लोगों को पहचानना बहुत इजी है। उनकी जो आंखें होती हैं उसमें करिश्मा नहीं होता है, उसमें ऊर्जा नहीं होती है, उनकी बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है, लंबे समय तक काम नहीं कर पाते हैं। ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये सन की वजह से आती हैं। तो एक प्लैनेट जो बहुत अच्छी चीज़ें देख सकता है बट अगर ठीक ना हो तो बहुत बुरा भी कर सकता है, इसके उपाय जानने बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप इनको अपनी दिनचर्या में ला सकें और इसके जो अच्छे बेनिफिट्स हैं, इस प्लैनेट के जो अच्छे बेनिफिट्स हैं। सी, ट्रीट योर प्लैनेट्स लाइक योर फ्रेंड्स। यू हैव 9 प्लैनेट्स एंड यू हैव 9 फ्रेंड्स, और ये जो 9 फ्रेंड्स हैं वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही दे रहे हैं। अगर आप इनको अपना फ्रेंड बना के रखेंगे ये आपको अच्छा देंगे, अगर आप इनको अपना एनिमी बना लेंगे तो वो आपको परेशान करने लगेंगे। ट्रीट योर प्लैनेट्स लाइक योर फ्रेंड्स। 9 प्लैनेट्स हैं, ये 9 प्लैनेट्स आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप इनको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करेंगे तो ये आपको हमेशा बेनिफिट देंगे, अगर आप इनको एनिमी की तरह ट्रीट करेंगे तो ये फिर आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो सन को कैसे दोस्त बनाना है, सन को कैसे खुश करना है, अब मैं आपको ये बताऊंगी। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि सन को हॉरोस्कोप में ठीक करने का क्या इजी उपाय है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि सन को ठीक करने के इजी उपाय हैं ही नहीं। सन को ठीक करना, सन को अपना फ्रेंड बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब किसी का सन वीक होता है तो उनकी जो लाइफ होती है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड डिसऑर्गेनाइज्ड होती है, वो डिसिप्लिन रूटीन में रहना पसंद नहीं करते या किसी कारण रह ही नहीं पाते,
तो उसको आपको सबसे पहले टैकल करना होगा। ज़्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ अगर आप अपनी स्लीपिंग हैबिट्स भी रेगुलेट कर लेंगे, आप टाइम पे सो जाएंगे रात को 10-11 बजे और सुबह सूर्योदय यानी सनराइज से पहले उठ जाएंगे तो भी आपका सन बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे सनराइज़ होता है और सनसेट होता है उसी वाले टाइम पीरियड में जब आप अपने सारे काम करेंगे, जब आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे तो सन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। और सिर्फ उठना काफ़ी नहीं है, सनराइज़ से पहले उठ के स्नान करके आपको कम से कम 5 या 10 मिनट उगते हुए सूरज के सामने खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप सूर्य की साधना कीजिए किसी भी रूप में, आप आदित्य हृदय स्तोत्र बोल सकते हैं, आप ओम घृणी सूर्याय नमः जो सूर्य का मंत्र है इसका जाप कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, गायत्री यज्ञ अगर आप जानते हैं या सीखने के आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो आप गायत्री यज्ञ भी कर सकते हैं। जितने ज़्यादा और जितनी शिद्दत से आप उपाय करेंगे उतने ही अच्छे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सूर्य को फ्रेंड बनाने का सबसे नंबर वन उपाय है एक डिसिप्लिन रूटीन, सनराइज से पहले उठना, और सन जो उगता हुआ सूर्य होता है उसको अपने 10 मिनट, सिर्फ लाइफ के 10 मिनट देना। दैट इज़ ऑल यू हैव टू डू टू मेक सन हैप्पी। अब इसके अलावा कुछ ईजी उपाय भी हैं। ये वाले जो नेक्स्ट रेमेडीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तभी वर्क करेंगे जब आप ये फर्स्ट वाला रेमेडी करेंगे, बिकॉज दिस फर्स्ट रेमेडी इज़ द मेजर रेमेडी टू करेक्ट योर सन इन द हॉरोस्कोप। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट रेमेडी। ये थोड़ा न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड है। अगर सन वीक है आपका तो आप जो भी काम कर रहे हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप कोई नया घर ले रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, या आप किसी बहुत ख़ास काम के लिए जा रहे हैं और आप कोई कैब बुक कर रहे हैं, रिक्शा बुक कर रहे हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दैट उस जो भी फ्लोर है या जो भी घर का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, उसमें 1 नंबर ज़रूर आए। अगर 1 नंबर नहीं आ सकता तो कम से कम जो भी डिजिट्स हैं उनका टोटल 1 ज़रूर आए। इसी के साथ साथ अगर आपका नाम में टोटल 1 नहीं आ रहा है, जो A for 1, B for 2, C for 3, ऐसे करके 26 अल्फ़ाबेट्स का 26 नंबर्स होते हैं, तो वैसे अगर आपके नाम का टोटल 1 नहीं आ रहा है तो आप अपने नाम में कुछ स्पेलिंग में मॉड्यूलेशन कर सकते हैं जिससे कि नाम का टोटल भी 1 आए। इससे भी आपके सूर्य को थोड़ा सा बल ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा सूर्य के कुछ और उपाय हैं। द नेक्स्ट रेमेडी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही चाहिए। नंबर वाली रेमेडी आप सिलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी ईजी रेमेडी, इसलिए उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, 10%, 12%। लेकिन फर्स्ट रेमेडी जो है इट इज़ लाइक 100% टेस्टेड। जिन भी लोगों ने ये उपाय किया है उनका सन अच्छा हुआ ही है। तो जो थर्ड रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको अपनी लाइफ में सॉल्ट का कंजम्पशन कम से कम करना है और मीठा ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। और संडे को स्पेसिफिकली आपको सॉल्ट लेना ही नहीं है। आप अपने आप को ये प्रॉमिस कर दीजिए कि आप संडे को, अगर आपका सूर्य वीक है, सन आपकी प्लैनेट में वीक है और आप सन के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, आप कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में अपीयर हो के, UPSC एग्ज़ाम्स में अपीयर हो के IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आपको संडे को नमक नहीं खाना है। इसके अलावा अगर कुछ ईजी रेमेडीज़ मैं आपको बता पाऊँ तो वो ये है कि जो डार्क कलर्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, जो भी डार्क कलर्स रहते हैं उनका आप यूज़ मत करिए, अपने आसपास भी मत करिए और अपने पहनावे में भी मत करिए। चूज़ लाइटर कलर्स, हो सके तो सिर्फ वाइट ही पहनिए, अगर पूरा वाइट नहीं पहन सकते तो वाइट, ऑरेंज, लाइट पिंक, लाइट कलर्स पहनिए जिससे सन की जो रेज है वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो पाए, वो रिफ्लेक्ट ना हो, तो इससे भी थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। आप अपनी स्टडी टेबल पे भी वाइट, पिंक, ऑरेंज कलर का यूज़ कर सकते हैं।
तो दोस्तों, आज हमने बात की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट सन की। अपने हाथ में देखिए, अपने आसपास साइंस और सिम्टम्स कलेक्ट करिए और पहले जानिए कि आपका सन स्ट्रांग है या वीक है। और अगर आपको लगता है कि सन वीक है तो इसके उपाय करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो। लाइक करना मत भूलिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने हमारे कमेंट्स सेक्शन में अपने क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट करिए। मैं ट्राई करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँ। हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस का आंसर दें। थैंक यू।